हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्लीज वर्कशीट वर्कशीट नंबर जी नाइन एंड इट इज ओनली फॉर क्लास सिक्स टू एट स्टूडेंट्स इट हैज टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट जेनरिक इंग्लिश एंड यू विल हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश नोटबुक आपको ये वर्क किस में करना है इंग्लिश नोटबुक में करना है एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड The most important covid appropriate behavior in this worksheet so students aaj आज की इस mein में हम COVID appropriate behavior ke के बारे में जानेंगे और सीखेंगे जिसको हम form mein में bhi भी कहते हैं और आजकल के time में तो बहुत ज़्यादा important है तो आप इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को समझिए और उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कीजिए तभी हम इस कोविड नाइन्टीन नाम की बीमारी से बचे रहेंगे वरना मुझे नहीं लगता कि कोई और उपाय है जो हम बच पाए इससे सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी रीड द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर गिवन बिलो यानी कोविड के दौरान हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यानी कोविड के लिए जो बिल्कुल उचित व्यवहार है वो हमें करना चाहिए आखिर वो व्यवहार कौन सा है या वो आदतें कौन सी हैं सेट ऑफ फिफ्टीन प्रोमिस वी नीड टू फॉलो एज अ पार्ट ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी पंद्रह वायदों का एक समूह जिसको कि हमें फॉलो करना है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही एक भाग है यानी अब हम आपको पंद्रह ऐसी आदतों के बारे में बताने वाले हैं जिनको कि आपको अपनी डेली लाइफ में अपनाना है और कोविड से बचे रहना है ठीक है सो so, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ फिगर्स दे रखी हैं उनके थ्रू हमें सिखाया गया है कि आखिर हमें करना क्या है कोविड के दौरान हमें किस प्रकार से अपना बिहेवियर रखना है वो सब जैसे जो सबसे पहला है वो है ग्रीट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी जब भी हम किसी से मिलें तो उससे बिना फिजिकल कांटेक्ट किए हुए मिले भाई पहले तो हम जाते थे और हैंडशेक करते थे अपने फ्रेंड से या किसी से भी ठीक है तो लेकिन अब सबसे बढ़िया इसका तरीका है हमारा भारतीय तरीका आप नमस्ते कीजिए जिससे भी आप मिलते हैं उससे नमस्ते कीजिए इससे आप उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे जब उसको आप ग्रीट कर रहे होंगे ग्रीट का मतलब जब अभिवादन करते हैं किसी का जब जाते हैं तो हेलो करते हैं ना उसको तो इसलिए पहले तो हम हाथ मिला लेते थे अभी हाथ नहीं मिलाना अभी दूर से बिना फिजिकल कांटेक्ट किए उसको नमस्ते कहना है देन सेकेंड इज मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस दो जनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है यानी दो गज़ अथवा छः फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है जब आप स्कूल में भी जा रहे हैं जैसे नाइन्थ टू ट्वेल्थ वाले बच्चे तो जा ही रहे हैं वो भी आपके भाई बहन हैं तो आप उन्हें भी बताइए कि स्कूल में भी अगर आप जाते हैं तो दूरी बना कर रखें और आप खुद भी अगर अपने कहीं दोस्त के साथ जा रहे हैं तो उसके घर जा रहे हैं या कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तब भी आप एक सामाजिक दूरी फिज शारीरिक दूरी बना कर रखें जिससे कि आप कोविड से बचे रहेंगे फिर नेक्स्ट इज़ रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर और मास्क एट ऑल टाइम यानी आपको अपना फेस कवर करने के लिए हैंडमेड रीयूजेबल मास्क पहनने चाहिए ठीक है रीयूजल जिसको आप बार बार धो सको क्योंकि आप कितने खरीदोगे भाई खरीदने की तो कोई लिमिट ही नहीं है तो रीयूजेबल हैंडमेड फेस कवर होंगे या मास्क होंगे तो उससे हम कोविड से बचे रहेंगे और ये हमें सभी टाइम्स लगाना है ऐट ऑल टाइम्स दैन नेक्स्ट इज अवॉइड टचिंग आईज नोज एंड माउथ आप अपने आँखों को नाक को और मुंह को बार बार छूने से बचें क्योंकि हम कई जगह किसी बहुत सारे सरफेस पे हाथ लगाते हैं ना जाने कहाँ से हमारे हाथ से हाथ के थ्रू वो जम आ जाए वो वायरस आ जाए कोविड का और हम जब उसको अपने आईज पे नोज पे या माउथ पे टच करें वो हमारे बॉडी के अंदर घुस जाए तो हमें वो चीज़ करनी ही नहीं है इसके बाद है नेक्स्ट इज मेंटेन रेस्पिरेटरी हाइजीन देखिए रेस्पिरेटरी हाइजीन का मतलब होता है जब आप खांस रहे हैं तो खांसते समय या छींकते समय अपने मुंह और नाक को कवर कर लें तब आप ये काम करें तो इसको हम रेस्पिरेटरी हाइजीन कहते हैं याद रखना जब भी खांसोगे या छीकोगे तो अपने मुंह और नाक को कवर कर लेना है देन वॉश हैंड्स फ्रीक्वेंटली एंड थॉरली यानी आपको अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहना है और अच्छी तरह धोना है थॉरली का मतलब अच्छी तरह से धोना है नेक्स्ट इज रेगुलरली क्लीन एंड डिस इनफेक्टेंट डिन डिसफेक्ट फ्रिक्वेंटली टच सरफेस यानी आप जो भी सरफेस हैं ज़्यादातर जो सरफेस हैं उनको डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करते रहिए और नियमित रूप से जो आ, फ्रीक्वेंटली टच सरफेस है जिनको आप ज़्यादातर टच करते हैं उनको आप क्लीन और डिसइंफेक्टेंट करते रहिए उसके बाद है डू नॉट स्पिट इन द ओपन कृपया खुले में मत थूकिए तो क्योंकि हो सकता है अगर आपके अंदर कोविड का वायरस है जब आप थूक रहे हैं तो वो उससे निकलकर या किसी के भी जरिए वो दूसरे में जा सकता है तो ये सब के लिए हो सकता है सामने वाले को उसने थूका हो, कहीं आपका पैर पड़ जाए आपको हो जाए तो इसलिए हमें खुले में थूकना नहीं है उसके बाद अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवल जहाँ तक हो सके हमें बिना ज़रूरत के यात्रा नहीं करनी बहुत ज़रूरी हो तभी कि हमें कहीं दूर जाना है या पास जाना है जब तक ज़रूरी ना हो आप घर से बाहर ही ना निकले जब तक ज़रूरी ना हो ठीक है फिर इसके बाद है डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना करें किसी भी सूरत में किसी के साथ भेदभाव ना करें नेक्स्ट इज डिनेट डिस्करेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी डिस्करेज क्राउड एनकरेज सेफ्टी का मतलब होता है डिस्करेज क्राउड यानी भीड़ को एक इकट्ठा मत होने दें भीड़ में ना जाएं ना भीड़ को इकट्ठा होने दें और सेफ्टी को बढ़ाएं इंक्रेज करें इससे सुरक्षा बढ़ेगी अगर आप ना भीड़ में जाते हैं और ना भीड़ को इकट्ठा होने देते हैं तो ये आपकी सेफ्टी को बढ़ाता है नेक्स्ट इज डू नॉट सर्कुलेट सोशल मीडिया पोस्ट विच कैरी अनवेरीफाइड और नेगेटिव इंफॉर्मेशन कभी भी सोशल मीडिया की ऐसी पोस्ट को सर्कुलेट ना करें जो कि वेरीफाइड ना हो या फिर उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को आप सर्कुलेट मत कीजिए जैसे हम आपके पास आप आजकल कल है फेसबुक है ट्विटर है इंस्टा है कई बार यहाँ पर जो खबरें होती हैं जो न्यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन वो अनवेरीफाइड होती है, है। यानी किसी से पर की तो होती नहीं तो हम उसको वैसे ही सर्कुलेट करे जाते हैं और लोगों में पैनिक फैलता रहता है या नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को हमें सर्कुलेट नहीं करना चाहिए तो ये भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ही एक हिस्सा है इससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है देन नेक्स्ट इज सीक इंफॉर्मेशन ऑन कोविड 19 फ्रॉम क्रेडिबल सोर्सेज यानी अगर आपको कोविड 19 से संबंधित कोई भी सूचना जाननी है उसका पता लगाना है तो जो विश्वसनीय स्रोत हैं उसी से ही पता लगाएं। आलतू फालतू किसी से ऐसे ना पूछें जो आपको जानकारी सही ना दे देन नेक्स्ट इज कॉल नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1075 और स्टेट हेल्पलाइन नंबर्स फॉर एनी क्वेरीज यानी कि 1075 जो कि नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए या स्टेट हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें ताकि आपकी क्वेरी जो है जो आपके प्रश्न हैं उनका समाधान हो सके एंड द लास्ट वन इज सी साइकोलॉज साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंगजाइटी जब आपको स्ट्रेस हो रहा हो जब आपको एक एंगजाइटी हो रही हो अंदर से तो उसके सपोर्ट के लिए आपको साइकोलॉजिकल के पास साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट जो होता है उसके पास जाना चाहिए मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए अगर आपको कोई टेंशन हो रही है कोई स्ट्रेस हो रहा है कोई एंगजाइटी हो रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको मनोचिकित्सक यानी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए तो ये पंद्रह बिहेवियर ये पंद्रह जो वायदे हैं इसको आपने अपने आप से करना है और आप कोविड से बचे रहेंगे तो सो स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड तो सुरक्षित रहें और बचे रहें अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की ओर सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दो वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से करेक्ट वर्ड को चूज करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स या इन सेंटेंसेस को आपको पूरा करना है बहुत इजी है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट इज एवरी वन शुड अवॉइड अननेसेसरी ट्रेवल या फिजिकल डिस्टेंस हम सबको जो बिना किसी जरूरत के ये चीज अवॉइड करनी चाहिए क्या ट्रेवल या फिजिकल डिस्टेंस राइट आंसर इज ट्रेवल टी आर ए वी एल ट्रेवल देन नेक्स्ट इज मस्ट वॉश आर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड थॉरिया सोशली तो अभी अभी ऊपर हमने समझा था इसमें आएगा आंसर थॉरोली यानी हमें अपने जो हाथों को नियमित रूप से और बिल्कुल अच्छी तरीके से धोना चाहिए पूरे तरीके से ठीक है थॉरोली इस तरह से आपने ये एप ये लिखनी है ये वाला लिखना थॉरली देन नेक्स्ट इज डिस्करेज क्राउड एंड एनकरेज क्राउड को आप डिस्करेज करें यानी भीड़ इकट्ठी ना होने और किसको बढ़ाएं एनकरेज किसको करें स्ट्रेस को या सेफ्टी को मानसिक परेशानी या सुरक्षा को तो इसका आंसर इज सेफ्टी एस एफ ई टी वाई सेफ्टी देन नेक्स्ट इज मेंटेन फिजिकल क्या डिस्टेंस या डिस्क्रिमिनेट मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ओके ऐसे लिखना डिस्टेंस डी आई एस टी एन सी डिस्टेंस देन डू नॉट च्यू क्या नहीं चबाना चाहिए टोबैको तंबाकू या चॉकलेट क्या नहीं चबाना चाहिए right यानी हमें तंबाकू नहीं खाना चाहिए नहीं चबाना चाहिए यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही बिल्कुल बेकार है हानिकारक है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट आपको हर स्टेटमेंट के आगे या तो वो ट्रू है तो ट्रू लिखना है फॉल्स है तो फॉल लिखना है फॉल्स लिखना है जैसे फर्स्ट इज नेवर सर्कुलेट अनवेरीफाइड मैसेज यानी हमें कभी भी बिना जांचे हुए मैसेज को सर्कुलेट नहीं करना चाहिए इज इट ट्रू और फॉल्स इज इट ट्रू बिल्कुल सही बात है सेकेंड इज कॉल नेशनल टोल फ्री नंबर वन ज़ीरो सेवन सेवन फॉर एनी क्वेरी क्या हमें किसी भी क्वेरी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर वन जीरो सेवन सेवन पर करना चाहिए कॉल नहीं दिस इज़ फॉल्स वो नंबर क्या है बताओ वो नंबर है वन जीरो सेवन फाइव सी इज डू नॉट स्पिट इन पब्लिक प्लेसेज यानी हमें सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए इज इट ट्रू और फॉल्स सही है या गलत ट्रू हमें थूकना नहीं चाहिए देन डी नेवर वियर फेस कवर और मास्क हमें कभी भी मास्क या फेस कवर नहीं लगाना चाहिए नहीं पहनना चाहिए क्या ऐसा है इट इज फॉल्स देन सीक साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एनी स्ट्रेस और एंग्जाइटी स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने पर आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेना चाहिए यानी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए इज इट ट्रू और फॉल्स ट्रू बिल्कुल सही सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और सारे वीडियोज़ की लिंक एक साथ पाइए सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए लाइक का बटन अभी दबा दीजिए शेयर कीजिए और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले बट रिमेंबर वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच